नाउ दिस इज द पार्ट टू ऑफ मनी एंड क्रेडिट। हमने पार्ट वन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक देखा था, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, बार्टर सिस्टम देखा था, तो अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। नाउ इन दिस पार्ट हम अलग अलग टॉपिक जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में देखेंगे और ऐसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स के टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया और क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट, किस तरीके से क्रेडिट जो लोन जो है वो सेक्टर्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लोन, उन्हें हम ग्रुप या क्लासिफाई करते हैं फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। तो दो टाइप्स में डिवाइडेड है क्रेडिट, जो भी लोग जो लोन लेते हैं या तो बैंक के थ्रू या कोऑपरेटिव के थ्रू लेंगे या अपने फ्रेंड्स के थ्रू मनी लेंडर्स के थ्रू लेंगे। तो देखते हैं, तो सबसे पहला है फॉर्मल क्रेडिट। फॉर्मल क्रेडिट में जहां पर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट की जरूरत है, तो फॉर्मल क्रेडिट इज जनरली अवेलेबल विद द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव। तो जनरली फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट जहां पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, तो वो है बैंक्स और कोऑपरेटिव्स में फॉर्मल सेक्टर में मिलते हैं लोन। दे चार्ज लेसर रेट। अगर मैं फॉर्मल सेक्टर से बैंक से अगर लोन ले रहा हूं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा जनरली कम रहेगा कंपैरेटिवली टू इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका पूरा सुपरविजन देखती है, फंक्शनिंग देखती है फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन का। अब हम देखते हैं इनफॉर्मल लेंडर्स की बात करें, तो उनके अंदर मनी लेंडर्स आ गया, ट्रेडर्स आ गए, एम्प्लॉयर्स आ गए, इवन हम रिलेटिव से भी लोन लेते हैं, फ्रेंड से भी लोन लेते हैं, तो ये जनरली ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कंपैरेटिवली टू बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। दे चार्ज मच हायर इंटरेस्ट ऑन द लोन। अब हम देखते हैं, ये हमें एनालिसिस में पूछ सकते हैं, पैटर्न ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑफ क्रेडिट फॉर पीपल इन द अर्बन एरिया। तो ये देखिए आपको दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए हम ग्राफ को समझेंगे क्या दे रखा है। द पीपल इन द अर्बन एरियाज आर डिवाइडेड इनटू द फोर कैटेगरीज। अर्बन एरिया की बात करें तो पीपल जो है वो अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड है। इफ वी टॉक अबाउट द लोन्स और क्रेडिट, पुअर हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड विद फ्यू एसेट्स, हाउसहोल्ड ऐसे जिनके पास कम एसेट्स है, वेल ऑफ हाउसहोल्ड जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, एंड रिच हाउसहोल्ड उनसे भी रिच जो है, वेल ऑफ मीन्स हम बोल सकते हैं कि मिडिल क्लास है लेकिन उनके पास पैसा है वो आराम से। तो अर्बन एरियाज की बात करें तो यहाँ पर पीपल जो है वो डिवाइडेड है चार क्लासेस में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अब हम एनालिसिस देखते हैं क्या क्या है ग्राफ का। 85% ऑफ द पुअर हाउस होल्ड जो है, यहाँ पर देखिए आपको 85% ऑफ द पुअर हाउस होल्ड जो है वो इनफॉर्मल सोर्सेस से लोन लेते हैं, बिकॉज उनके पास पुअर है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो बैंक उन्हें लोन प्रोवाइड नहीं करेगी, तो इसीलिए जनरली वो डिपेंडेंट रहते हैं इनफॉर्मल सोर्सेस पे। ओनली 10% ऑफ द रिच हाउस होल्ड जो है, यहाँ पर देखिए रिच हाउस होल्ड जो है 10% जो है लोन लेते हैं इनफॉर्मल सोर्सेस से, बिकॉज उनके पास सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, कोलैटरल होते हैं, बिकॉज दे आर रिच, तो इसीलिए वो जनरली बैंक और कोऑपरेटिव से ही लोन जो है वो लेते हैं। ओनली 10% जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। 90% ऑफ द रिच हाउसहोल्ड जो है वो लोन लेते हैं फॉर्मल सोर्सेस से। तो ये था हमारा सेकंड एनालिसिस, ये देखिए आपको ये चीज। अब हम देखते हैं और क्या देखते हैं इन अ करंट सिनेरियो। अगर हम इस ग्राफ की या अर्बन एरियाज के करंट सिनेरियो की बात करें, तो इट इज द रिचर हाउसहोल्ड हु रिसीव्स द फॉर्मल क्रेडिट। तो हमने देखा कि जो रिचर हाउस होल्ड है जिनके पास कोलैटरल डॉक्यूमेंटेशन जो पूरा कर पाते हैं, वो ही फॉर्मल क्रेडिट जो है वो रिसीव कर पाते हैं, वेयर एज पुअर जो है उन्हें ज्यादातर जो है वो किस पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है इनफॉर्मल सेक्टर में। अब द रिच हाउस होल्ड आर अवेलिंग चीप क्रेडिट फ्रॉम द फॉर्मल लेंडर। हमने देखा ही था फॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है और इनफॉर्मल में ज्यादा, तो जो रिचर हाउस होल्ड जो है उन्हें चीप क्रेडिट सस्ते में कम इंटरेस्ट में लोन मिल जाता है, वेयर एज पुअर जो है बिकॉज उन्हें डिपेंडेंट रहना पड़ता है इनफॉर्मल में, तो उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज किया जाता है। इट इज इम्पॉर्टेंट, इसीलिए काफी ज्यादा जरूरी है कि जो फॉर्मल सेक्टर जो है उसमें इक्वालिटी हो, रिच को जितना मिला है उतना ही पुअर को भी मिलना चाहिए, मोर इक्वालिटी सो दैट पुअर जो है उन्हें भी बेनिफिट हो चीपर या सस्ते लोन्स का। इट इज नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स जो है, इसीलिए करंट सिनेरियो को देखते हुए ये जरूरी है कि पुअर को ज्यादा सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल जाए, इसीलिए बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को ये देखना है कि वो अपनी लेंडिंग्स जो है वो बढ़ाए, पर्टिकुलरली कहाँ पर, रूरल एरियाज में, सो दैट जो डिपेंडेंस जो है इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेस ऑफ क्रेडिट का वो कम हो सके और पुअर को भी ज्यादा बेनिफिट हो।
वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन जो है उसे एक्सपांड करना भी जरूरी है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी जो है वो ये देखा जाए कि सिर्फ रिच को ही लोन्स ना मिले, पुअर को एंड रिच को दोनों को इक्वली जो है वो लोन प्रोवाइड किए जाए। तो ये था हमारा एनालिसिस ऑफ ग्राफ। तो ये इंग्लिश में भी आजकल एनालिसिस ऑफ पैराग्राफ जो बोलते हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ जो है, इसी तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है। ये हमें इको में टॉपिक दे रखा है तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। अब एक और टॉपिक है चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट। जो पुअर जो है उन्हें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इसीलिए उन्हें नुकसान होता है। तो इसीलिए काफी ज्यादा नेसेसरी है कि सस्ते में, चीप में और अफोर्डेबल या रीजनेबल क्रेडिट जो है वो इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए। क्यों? बिकॉज सबसे पहला, अगर हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफी ज्यादा हाई है, मीन्स अ लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग, जो भी मैं अर्न करूंगा उससे आधे से ज्यादा पैसा जो है वो मुझे इंटरेस्ट पे करने में ही लग जाएगा। तो लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बोरोवर इज यूज्ड टू रिपे द बोन। जैसे सपोज मान लो 1000 रुपीज का लोन लिया है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो हो गया 1200 रुपीज और उसकी अर्निंग जो है वो कम है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो और अर्निंग ज्यादा हो। हाउएवर बोरोवर्स हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्फ, बिकॉज उनकी जो इनकम जो है वो इंटरेस्ट में ही पे करने में लग जाएगी, तो उनके पास इतनी इनकम रहेगी नहीं। चीप क्रेडिट जो है वो इसीलिए रिक्वायर्ड है फॉर द वेराइटी ऑफ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी। अलग अलग इकोनॉमी, मेरे को रॉ मटेरियल्स चाहिए, मुझे फार्मर्स को जो है वो सीड्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, तो इन खर्चों को पूरा करने के लिए, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए, सच एज बिग और स्मॉल इन्वेस्टमेंट और सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस, तो इसीलिए अगर उन्हें सस्ते में लोन मिल जाए, चीप लोन मिले, तो उन्हें काफी ज्यादा बेनिफिट होता है अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने में। पीपल हु वॉन्ट टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, अब ऐसे लोग जिनको स्टार्ट करना है बिजनेस लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो उन्हें लोन में लेना पड़ेगा। तो बिकॉज अगर लोन जो है वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट का हुआ, तो इतना अर्निंग्स उनकी सारी, जो भी अर्निंग्स जो हुई है जो स्मॉल बिजनेस चालू किया है, वो चली जाएगी उनकी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में। तो इसीलिए अगर चीप होगा तो वो लोन दे सके, लोन का अमाउंट जो है वो दे सकेंगे, उनकी अर्निंग ज्यादा। अगर लोन जो है वो चीप नहीं है तो वो ये कर नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ द हायर रेट ऑफ द इंटरेस्ट जो कि लोन को प्रोवाइड किया गया। इन रूरल एरियाज की बात करें तो अगर चीप क्रेडिट है तो उन्हें हेल्प करेगा फार्मर्स को डेवलपमेंट में, बाय हेल्पिंग द फार्मर्स टू परचेज सीड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड फार्म। तो अगर इन शॉर्ट यहाँ पर कंक्लूजन ये निकला कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट या लोन जो है वो चीप हुए तो इससे बेनिफिट होगा, और अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग या रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो इतना बेनिफिट नहीं होने वाला है, बिकॉज मेजर पार्ट ऑफ द इनकम जो है वो एक पर्सन की इंटरेस्ट पे करने में ही चली जाएगी। तो इसीलिए अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब हम हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, दैट इज रिलेटेड टू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स के बीच में डिफरेंस। एकदम इजी, वेरी इजी देखते हैं। यहाँ पर ऐसे सोर्सेस ऑफ क्रेडिट हैं जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि हमने पहले भी देखा, बैंक्स एंड कॉपरेटिव्स। यहाँ पर स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट्स जो है विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपने हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जैसे कि हमने देखा इंडिविजुअल मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड एम्प्लॉयर्स। यहाँ पर आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो सारा फंक्शनिंग जो है वो सुपरवाइज करती है, और यहाँ पर ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो चाहे अपने हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लगा सकता है, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस लगा सकता है। अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मेकिंग तो एम होता ही है, लेकिन उसी के साथ साथ फॉर्मल सेक्टर का ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों को बेनिफिट दे, सस्ते में लोन प्रोवाइड करके। यहाँ पर ऐसा जनरली मनी लैंडर्स जो है वो फार्मर से, बिकॉज वो इलिटरेट होते हैं तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रखते हैं और वो इसका फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर ओनली मोटिव जो है वो क्या है, लोगों से प्रॉफिट जो है वो निकालना, तो एक्सट्रैक्ट प्रॉफिट एज मच एज पॉसिबल। फॉर्मल सेक्टर लोन जो है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया जाता है और इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया जाता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है, जो कि हमने देखा था, मोड ऑफ रीपेमेंट, कोलेटरल, इंटरेस्ट रेट जो है वो फेयर होते हैं और रिजनेबल रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही टफ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन अपने हिसाब से लग जाते हैं और कभी कभी तो अनरिजनेबल टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी लगाते हैं।
और यहाँ परफॉर्मेंस सेक्टर में स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है रिलेटेड टू टर्म्स ऑफ क्रेडिट, जो कि हमने देखा इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल और डॉक्यूमेंटेशन और मोड ऑफ रीपेमेंट। लेकिन यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर में डू नॉट रिक्वायर कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन, वो अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते हैं। अब तो यहाँ से हमें डिसएडवांटेजेस भी पता चले, देखिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आरबीआई सुपरवाइज कर रही है, यहाँ पर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि क्रेडिट एक्टिविटीज को देखे, मॉनिटर करे और उस पर कंट्रोल लगाए। कंपेयर टू फॉर्मल लेंडर्स, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा रखते हैं, जो कि हमने यहाँ पर भी देखा। दस, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग जो है ज्यादा इंटरेस्ट होगा। तो जो भी मेजर जो इनकम है वो एक पर्सन जिसने लोन लिया है वो इंटरेस्ट पे करने में ही चली जाएगी और उसकी इनकम जो है वो उसके पास रहेगी नहीं। इन सर्टन केसेस इतनी ज्यादा हाई रेट ऑफ बोरोइंग होती है कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रिपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर। कभी कभी ऐसा भी होगा कि उसकी इनकम हुई है 1000 और उसे इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना है 1100 रुपीज। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि उसकी इनकम कम है और जो लोन का रीपेमेंट विथ इंटरेस्ट है वो भी काफी ज्यादा होगा और इसकी वजह से डेट बोरोड अमाउंट और डेट ट्रैप में वो फंसता ही जाएगा। ऑल्सो पीपल हु माइट टू विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज, अगर किसी को एंटरप्राइज चालू करनी है और उसने इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा और उसकी मेजर अर्निंग जो है वो उसी में चली जाएगी, तो उसका बिजनेस इतना ग्रो नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग। अब हम समझते हैं रिजर्व बैंक, हमने देखा यहाँ पर रिजर्व बैंक जो है वो सुपरवाइज करती है फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सेक्टर। तो अब हम देखते हैं रिजर्व बैंक जो है वो किस तरीके से सुपरवाइज करती है बैंक्स को। सबसे पहला, इट मॉनिटर्स, वो सीसीटीवी है, वो मॉनिटर करती है जो भी बैंक के पास पे बैलेंस है, डे टू डे एक्टिविटी, वो कितना पैसा पे कर रही है, कितना पैसा डिपॉजिट कर रही है, वो सारी एक्टिविटीज जो है वो आरबीआई देखती है। इट चेक्स दैट द बैंक गिव लोन्स, वो ये भी देखती है कि बैंक जो है अननेसेसरी प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं कर रहा है बल्कि लोगों का फायदा भी देख रहा है, पीपल्स वेलफेयर भी कर रहा है एंड ट्रेड, बट ऑल्सो टू द स्मॉल बोरोवर, वो फायदा स्मॉल बोरोवर्स को भी दे रहा है। पीरियोडिकली हर थोड़े थोड़े टाइम पीरियड पर बैंक जो है उन्हें डिटेल देनी पड़ती है कि उन्होंने कितना पैसा जो है वो लेंड किया है, कितना बोरो कितना लोन दिया है और कितना वो इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज कर रही है। आरबीआई ये देखती है कि वो अनरीजनेबली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं ले रही है। इट ऑल्सो कीप्स अ चेक ऑन द इंटरेस्ट रेट, वो ये भी देखती है कि इंटरेस्ट रेट कितना है ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। आरबीआई जो है वो ये श्योर करती है कि लोन्स जो है वो लोगों को चीप और अफोर्डेबल रेट्स में दे रही है। तो इस तरीके से वो सुपरवाइज करती है, आरबीआई जो है वो लोन एक्टिविटीज को पूरा मॉनिटर करती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहला हम देखते हैं मीनिंग सेल्फ हेल्प, देखो नाम में ही है सेल्फ हेल्प। तो देखते हैं, अ टिपिकल सेल्फ हेल्प जो है उसके अंदर 15 to 20 मेंबर्स होंगे। यूजुअली जो है वो आसपास के विलेजेस के मेंबर जो है एक साथ इकट्ठा होते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है और वो अपने सेविंग्स करते हैं और उस ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं। सेविंग्स पर मेंबर जो है वो डिपेंड करती है 25 to 100 रुपीज। एक पर्सन की कितनी इनकम है वो अपने हिसाब से 25 to 100 के अंदर अपना पैसा जो है वो इस ग्रुप में दे सकता है एज अ सेविंग डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी। तो यहां पर हमें दे रखा है अ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द गुजरात। अब हम देखते हैं एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप के। तो एम है सेल्फ हेल्प ग्रुप का इज टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज करना है सबको, इकट्ठा करना है रूरल पुअर को और स्पेशली किन है वुमेन को, एंड कलेक्ट देयर सेविंग, उनकी सेविंग्स कलेक्ट करनी है, पैसा इकट्ठा करना है। जैसे एक फार्मर जो है उसने 100 रुपीज दिए, एक फार्मर ने 25 रुपीज दिए, ऐसा वो एक फंड जो है वो कलेक्ट करेंगे और जो फंड कलेक्ट हुआ है उनमें से जिनको एक्चुअल में लोन की रिक्वायरमेंट है उस कलेक्टेड अमाउंट में से वो लोन जो है वो देंगे। द ग्रुप टेक्स लोन फ्रॉम द बैंक टू क्रिएट अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब जो ग्रुप जो है खुद का बिजनेस चालू करना है तो वो लोन जो है वो उस कलेक्टेड अमाउंट में से उस फंड्स में से ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर, तो वो लोन जो है वो इकट्ठा जो फंड हुआ है उसमें से ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कैसे काम किया जाता है एसएससी में, कैसे क्या क्या फंक्शंस है। तो सबसे पहला, डिसीजंस ऑन लोन एंड सेविंग, जो कितना लोन देना है, कितना सेविंग्स, कितना कलेक्टेड अमाउंट जो है
वो सब जो है वो मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं आपस में डिस्कशन के थ्रू। ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द पर्पस, क्या पर्पस है लोन का, अमाउंट कितना देना है, अमाउंट कितना इकट्ठा हुआ है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, रीपेमेंट कैसे होगा, इंस्टॉलमेंट के थ्रू होगा, तो ये सब जो है ये भी डिसाइड करते हैं ग्रुप मेंबर्स जिन्होंने पैसा दिया है। द ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। अब यहाँ पर सपोज मान लो किसी फार्मर ने लोन दिया है और वो रीपे नहीं कर पाया है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर पर नहीं होगी, पूरे ग्रुप पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कैसे भी करके पैसा जो है वो जिन्होंने दिया है उसे मिलेगा, बिकॉज ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉन रीपेमेंट ऑफ द लोन बाय एनी मेंबर, अगर कोई मेंबर जो है वो लोन पे नहीं कर पाया है तो वो सीरियसली लिया जाता है और वो लोन जो है वो कोई दूसरा मेंबर जो है वो दे देता है। तो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस ऑफ HSC। HSC जो है उसकी वजह से बोरोवर्स को काफी ज्यादा हेल्प मिली है टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल, बिकॉज पुअर पीपल है उनके पास कोलेटरल नहीं होती है, तो HSC जो ग्रुप बना है वो कोलेटरल की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है कि अगर इन केस ये पर्टिकुलर पर्सन पे नहीं कर पाया तो हम गारंटी दे दे के आपको रुपए जो है वो मिल जाएंगे। बोरोवर जो है उन्हें टाइमली और रिजनेबल रेट पे बैंक्स और कोऑपरेटिव्स के थ्रू लोन मिल जाता है। इट हैज हेल्प वुमेन, और स्पेसिफिकली अगर हम वुमेन की बात करें तो रूरल एरियाज में काफी ज्यादा फाइनेंशियली वो सेल्फ रिलायंट अपने पैरों पर खड़े हो पाए हैं। और द मीटिंग्स ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड सिर्फ इसी रिलेटेड और दूसरी एक्टिविटीज पे भी डिस्कशन होता है, जैसे कि सोशल इश्यूज हैं जैसे कि हेल्थ, न्यूट्रिशन और डोमेस्टिक वायलेंस पे भी यहाँ पर डिस्कशन किया जा सकता है। कोई भी इशू हो तो उसे सोशली जो भी इशू है वो सॉल्व किए जा सके। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। तो अब हम देखते हैं ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश जो है वो बहुत ही बड़ी सक्सेस स्टोरी है। ये जो बैंक खुला उसे काफी ज्यादा सक्सेस मिली है जिसने हेल्प करी पुअर को उनकी क्रेडिट या लोन रिक्वायरमेंट को रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ये स्टार्ट हुआ था 1970s में स्मॉल प्रोजेक्ट के थ्रू, और 2018 द ग्रामीण बैंक जो है उसके 9 मिलियन पुअर जो मेंबर्स जो थे और 81,600 विलेजेस तक ये फैल गया और पूरे बांग्लादेश में फैला हुआ, और काफी ज्यादा उन्होंने हेल्प करी पुअर पीपल को एट द रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोवर, यहाँ पर जनरली जितने भी बोरोवर्स हैं जिन्होंने पैसा लिया है ग्रामीण ग्रुप से वो वुमेन है और एंड बिलोंग टू द पुअर सेक्शन ऑफ द, जो पुअर वुमेन है जनरली उन्होंने ही यहाँ से लोन लिया है। These borrowers have proved, ये जो women borrowers हैं, उन्होंने ये दिखा दिया कि not only poor women are reliable borrower, कि वो सिर्फ borrow करके पैसा दे भी देती, reliable borrowers है, but they can start and run variety of income. सिर्फ women जो है वो पैसा borrow तो करती है और उसी के साथ साथ ये भी प्रूव किया कि वो अच्छे से बिजनेस जो है वो चला सकती है, अर्निंग्स कर सकती है और उस लोन का रीपेमेंट भी कर सकती है। जो फाउंडर जो हैं ग्रामीण बैंक के, ये अच्छे से याद रखना है, हमें ऑब्जेक्टिव से पूछ लेते हैं, मोहम्मद यूनुस जो थे उन्हें इसके लिए, इस एफर्ट के लिए नोबेल प्राइज भी मिला 2006 में फॉर इस एफर्ट्स ऑफ इम्प्रूविंग द लॉट ऑफ द पुअर, ने उन्होंने इतनी मदद करी तो इसीलिए मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज भी मिला। तो ये ऑब्जेक्टिव पर्पज के लिए इम्पॉर्टेंट है, हु इज द फाउंडर ऑफ द ग्रामीण बैंक, तो आंसर इज मोहम्मद यूनुस। तो अब ये देखिए, आपको स्क्रीन पे कुछ केस स्टडीज दे रखी होगी जो कि सैम्पल पेपर्स में दे रखी है या हमें एग्जाम में एनालिसिस करने के लिए पूछा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ट्राई करिए कि इसको खुद ही सॉल्व करें, और जो भी आंसर्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पर पहले जो है आपको खुद सॉल्व करना है, केस स्टडी को पढ़ना है और इसमें क्या क्या एप्लीकेबल होगा आपको खुद ही सॉल्व करना है, जो भी इसके आंसर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फाइनली हमारा चैप्टर विद केस स्टडी, हमने पूरा इन डिटेल डेप्थ में समझा क्या क्या है इसमें। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं तो हमें केस स्टडी के बेसिस पर भी इसको पढ़ना है। आई होप आपको ये चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर हो गया हो।